Hello all of you, welcome to class 6th, students. Class 6th, chapter number 1, and the subject is science. So let's start. But first of all, I want to know something. What you have eaten today? Kya khaya tha aaj? Khana khaya tha? Hope so healthy khaya hoga, hana? So let me, for example, I have taken today carrot, I have taken today chapati. Now, you all know that carrot, chapati, let it be rice or anything. These are the source or these are the sort of food. Khana hai ye. Khana hai jo roz khate ho. Alag alag khate ho, maan liya. Varieties mein khate ho, maan liya. Parantis khate ho, carrot ki jagah par kuch aur cauliflower kha rahe ho, koi aur vegetable kha rahe ho, koi aur fruit kha rahe ho, wo sab kuch aapke liye kya hai, wo hai aapke paas food. Okay, this was my first question, ki aapne kya khaya aaj? What you have eaten today, what you have taken today in breakfast, in lunch, or what you have taken yesterday in the dinner. That was my first question. Ab mera second question hai ki bachche ye cheezein, ये तीन चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं या ये चीज ये जो फूड है ये कहाँ से आया, where does it comes from? तो आपका आंसर सबसे पहले तो ऑब्वियसली होगा जी मैम ग्रोसरी शॉप से आया, सब्जी वाले से लिया, वो साथ वाली दुकान से आया, शॉप से आया. ओके फाइन, मान लिया. बट उसके भी बियॉन्ड जाइए, उसके भी आगे जाने की कोशिश करिए. वो उन सब्जी वाले को, वो ग्रॉसरी स्टोर वाले को, वो शॉपकीपर को, ये सामान कहाँ से मिला, नेचर से ये कम सामान कहाँ से आया. सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है वेयर डज दिस फूड, विच फूड जो खाया है वो वाला फूड comes from, कहाँ से आया ये खाना, वो शॉपकीपर के पास कहाँ से आया, घर पे तो नहीं था उसके, बाहर से आया, उसके पास कहाँ से आया, उस ग्रॉसरी स्टोर वाले के पास कहाँ से आया. यही तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा. हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या, हमारा फर्स्ट चैप्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी साइंस की बुक में तो आपको दिखेगा, द फर्स्ट चैप्टर इज फूड. Where does it come from? Chapter number 1 is food. ये कहाँ से आ रहा है, ये इतना खाना, ये जो फोटोग्राफ में दिख रहा है, ये जो पूरी दिख रही है, ये राइस दिख रहा है, चपाती दिख रही है, बाकी कितना कुछ दिख रहा है, कर्ड दिख रहा है, वहाँ पर सब्जियाँ दिख रही हैं, वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, ये सब कुछ, ये सब कुछ कहाँ से आया. Where does it comes from? So the first chapter is, what's the name of the first chapter? The name of the first chapter is food. And the main question is, where does it come from? Ye aaya kahan se ji, kahan se aa raha hai ye? Yehi to question hai hamara. और इस टॉपिक को स्टार्ट करने में अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या चीज़ें आप कवर करोगे इस टॉपिक, इस चैप्टर में समझोगे क्या क्या, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज, द फर्स्ट इज फूड वराइटीज, अलग अलग तरीके का फूड, देन फूड इन्ग्रीडियंट्स समझेंगे, आराम से समझेंगे, फूड मटीरियल एंड देयर सोर्सेस, फूड ईटन बाय एनिमल्स. सो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो आपके पास है दैट इज फूड वराइटी, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट हियर. हैव अ लुक ऑल ऑफ यू, द टॉपिक इज फूड वराइटीज. ओके, अगर आपको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन याद हो जो मैंने अभी अभी सेशन स्टार्ट होने में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या था,
कि व्हाट यू हैव ईटन टुडे, आज क्या खाया था, तो मेरे आंसर्स थे ना कि कैरेट खाई थी, चपाती खाई थी, राइस खाया था. ओके फाइन, बट हर एक का तो ये जवाब नहीं होगा, नहीं होगा ना, हर एक का ये जवाब नहीं होगा. आप बोल सकते हो कि मैम मैंने तो कैरेट खाई नहीं, मैंने तो कॉलीफ्लावर खाया. तो चलिए मैं मान लेती हूँ आपने कॉलीफ्लावर खाया, तो मैंने क्या क्या खाया था, मैंने खाई थी कैरेट, मैंने खाई थी चपाती, मैंने खाया था राइस. आपने क्या क्या खाया, आपने खाया कॉलीफ्लावर, किसी ने, किसी और ने क्या खाया, किसी और ने कैबेज खाई जी, किसी और ने क्या खाया, किसी और ने, लेट इट बी, आज मम्मा का मूड बहुत अच्छा था जी, आज मम्मा ने बनाया था हमारे घर में ब्रेड पिज्जा. हाँ जी, हेल्दी नहीं है, मान लिया, चलिए फिर भी वैरायटी में तो आ रहा है ना, अलग अलग तो है ना. ये सब कुछ चीजें, ये जो कैरेट है, चपाती है, राइस है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रेड पिज्जा है, बर्गर है, न्यूडल्स है, वाटरिंग, मुंह में पानी आने वाले, जो भी चीजें हैं, जो भी हैं, जो भी खाने वाली चीजें हैं बेटा, जो भी खाने वाली चीजें हैं, वो सब की सब अलग अलग वराइटीज हैं, अलग अलग वराइटीज हैं, अलग अलग चीजें हैं जो आप खा सकते हो, जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हो, लंच में खाते हो, डिनर में खाते हो. अब अलग अलग जगह का अलग अलग खाना है, जैसे पंजाब है तो परांठा तो मस्ट है जी, सुबह सुबह एक परांठी मस्ट है. ओके फाइन, ठीक है, आई गॉट विद यू कि हाँ जी परांठी खानी है, फाइन. बट अगर कहीं और चले जाएं, साउथ इंडियंस चले जाएं तो इडली खाएंगे, सांबर खाएंगे, कहीं और चले जाएं तो हाँ जी वो ढोकला खा रहे हैं, कहीं और चले जाएं तो वो कोई और वैरायटी खा रहा है, कोई और वैरायटी खा रहा है. तो वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ जो अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो सब कुछ क्या है, वो अलग अलग वराइटीज हैं, वो अलग अलग वराइटीज हैं. और हमारी इंडिया में, या हम पूरे वर्ल्ड में बोल दें, तो देर आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड, डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड. अब डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड जो है वो बेटा किसी मटेरियल से तो बन रहा है ना. डिफरेंट वराइटी ऑफ फूड को बनाने के लिए हमारे पास कोई मटेरियल लग रहा है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है. लेट इट बी कि मटेरियल जो था वो एक वीट ही थी, वीट, कनक, सिंपल, राइट. आपने कुछ खाया, आपने एक खीर खाई, फॉर एग्जाम्पल आपने खीर खाई, खीर एक सॉर्ट ऑफ पुडिंग, फाइन. तो व्हेन यू हैव टेकन द पुडिंग, ऑब्वियसली पुडिंग जो थी उसमें बहुत कुछ था. क्या क्या था उसमें, राइस था, ओके. उसमें और क्या डाला था मम्मा ने, उसमें मम्मा ने थोड़ा सा ना मीठा मीठा था कुछ वो, सो लेट इट बी मम्मा ने शुगर डाली थी. एंड वन थिंग ऑब्वियसली मिल्क, यस मिल्क तो होगा ही. इन तीन चीजों से, इन तीन मैं बोलू तो मटीरियल से, इन तीन मटीरियल से, राइस, शुगर, मिल्क, इन मटीरियल से ये फूड की एक आइटम तैयार हुई, ये खीर वाली ये फूड की आइटम तैयार हुई है, राइट. अब जिन मटेरियल से आपका फूड तैयार हो, जिन मटेरियल की हेल्प से आपका फूड तैयार हो जाए, उस मटेरियल को या उन मटेरियल को, दैट मींस मटेरियल्स को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो, चेक हियर बेटा, अ न्यू वर्ड फॉर यू, यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट लाइक इंग्रेडिएंट्स. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द स्पेलिंग्स आर INGREDIENTS. द प्रोनाउंसिएशन इज इनग्रीडियंट्स. सो वो मटेरियल की बजाय बोलूं तो वो मटेरियल्स जिनसे आपका फूड तैयार हुआ, उन मटेरियल्स को आप बोलोगे इनग्रीडियंट्स. क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स. इसके लिए आप अपनी बुक पे, पेज नंबर 18 पे
अगर आप टॉप पे एक्टिविटीज के भी ऊपर अगर आप ध्यान से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन चेक करें तो वो लास्ट लाइन में क्या है, द मटीरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। उन मटेरियल से, जिन मटेरियल से आपकी वो फूड आइटम प्रिपेयर हुई है, बनाई गई है, उस मटेरियल को आप बोलने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स। फाइन। और इसी के सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक्टिविटी टू पे सबसे पहले फूड आइटम्स के नाम हैं, फोर फूड आइटम्स के नाम और इंग्रेडिएंट्स उन्होंने दे दिए हैं। दो और फिफ्थ एंड सिक्स्थ यू आर गोइंग टू फिल योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट फूड आइटम विच इज बींग प्रोवाइडेड इज चपाती और रोटी। सो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट गया था, फ्लोर गया था, व्हाट्स फ्लोर नाउ, इट्स आटा, वीट से जो आ रहा है, कनक से। लास्ट क्लास थोड़ी से कनेक्शन बनाइए, फ्लोर कहाँ से आया था। नेक्स्ट वाटर, तो अच्छी तरीके से नीड किया उसे, अच्छी तरीके से गूंद लिया, तो वो एक फ्लोर जो है वो इकट्ठा पाइंड होने के बाद उसको आपने जब तवे के ऊपर पैन में जब आपने उसको प्री हीट हीट किया तो वो क्या बन जाएगी, रोटी और चपाती, इडली। होप सो सबने खाई हो, वाइट कलर की या अलग सी कलर की जो भी है। उसमें क्या जाने वाला है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। बेटा मैं इसलिए करवा रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्रेडिएंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज, दाल, दाल में पल्सेस, दाल कोई भी दाल चल सकती है, राइट। पल्सेस द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, पल्सेस जाएंगी, कोई भी दाल हो सकती है। नेक्स्ट ऑयल, घी जाएगा, दोनों में से एक चीज जा सकती है। स्पाइसेस जाएंगे, मसाले होते हैं ये, स्पाइसेस मसाले, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इज वेजिटेबल, कुछ भी वेजिटेबल। मैंने कैरेट बोली थी ना आज, तो बोला भी था कि कईयों ने कॉलीफ्लावर खाया होगा, कईयों ने कोई और वेजिटेबल खाई होगी, कैबेज खाई होगी या कुछ भी, राइट। तो वो वेजिटेबल जाएगी, ऑयल जाएगा, घी होगा, दोनों में से एक, स्पाइसेस जाएंगे, मसाले, दोबारा से बता रही हूँ, स्पाइसेस मीन्स मसाले, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट वेकेंट है, ब्लैंक है, दैट यू आर गोइंग टू फिल बाय योरसेल्फ, एंड आई होप सो व्हेन यू आर कमिंग बैक टू द स्कूल वी आर एबल टू सी योर बुक्स फिल्ड। प्लीज जॉयफुली काम करिएगा ये, ओके, जॉयफुली। नेक्स्ट आपके पास थर्ड एक्टिविटी जिसमें आपके पास लिखा गया है और इंग्रेडिएंट्स के बारे में और चीज़ें बताई गई हैं, तो आप पहले सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को देखिए, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, खीर में क्या क्या गया है। खीर में हमने बात की थी मिल्क जाएगा, राइस जाएगा, शुगर जाएगी, फाइन। चिकन करी, सम ऑफ यू आर वेजिटेरियंस, इट्स ओके, लिसन, चिकन करी, सॉल्ट, वाटर, चिकन, स्पाइसेस, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ऑयल एंड घी, फाइन। नेक्स्ट इज दाल, सॉल्ट, वाटर, दाल, स्पाइसेस, ऑयल और घी में से एक चीज मैंने आपको बता दिया था, तो ये चीज को आपने याद रखना है, आपको इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या थे, व्हाट वर द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल्स हैं जिनसे फूड बनाया जाता है। दोबारा से, इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स फ्रॉम विच द फूड आइटम इज प्रिपेयर्ड, इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स। ओके, इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल हैं जिनसे आपने फूड आइटम्स प्रिपेयर करनी है, और फूड आइटम्स अलग अलग, कोई भी। हमने कितनी बात करी, हमने बात करी चपाती की, हमने बात करी इडली की, हमने बात करी दाल की, हमने बात करी वेजिटेबल की,
हमने बात की है उसके बाद में चिकन करी की, इन सब फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मटेरियल लगा उस मटेरियल को आप बोलोगे इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आर दोज मटेरियल नोन एज? दोज मटेरियल्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। आई होप सो। The first and the second topic of the chapter, which was, look here, again, topics to be covered. The first topic was food varieties that we have learned. What we have learned, there are different varieties of food in different countries, in different parts of the countries, in different parts of the world. There are the different varieties of food. Obviously, you also have eaten the different varieties of food daily. You are eating, you can't even eat one type of food, right? Different varieties of food should be there. It creates a fun in you, it creates a healthy nature. You're not going to eat pizza daily, you're not going to eat one sort of vegetable daily. You will get bored out of that. अच्छा नहीं लगेगा, दिलचस्पी नहीं रहेगी, यू विल गेट बोर. सो वट यू आर डूइंग, वट योर पेरेंट्स आर डूइंग, योर पेरेंट्स आर क्रिएटिंग, योर पेरेंट्स आर गिविंग यू डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड डेली, सो दैट यू कैन गेट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ इट. नाउ द वर्ड विच आई हैव यूज्ड हेयर, द वर्ड आई हैव यूज्ड हेयर इज न्यूट्रिएंट. You are going to get different nutrients from the different varieties of food. What are these nutrients? These nutrients are the carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. These are the different nutrients. Don't bother about that. Don't panic about this. We are going to study about the nutrients in chapter number 2. So please don't panic on this. That what sort of word is this? Just remember that you are going to get nutrients from different varieties of food. The next topic that we have to cover from this chapter was food ingredients. And I am very clear to you all, what were the food ingredients? Food ingredients means the different materials which was used to make the food item, which was used to prepare the food item, was known as food ingredients. And we have learned lots of ingredients of lots of food items. We haven't learned about just, I guess, 6 or 5, but you should be knowing that what you are eating is made up of different source of materials. They are differently made of materials. They are having different ingredients. For example, like we have learned today, let it be, the simple one for you would be kheer. Okay, to memorize it till today. But I'm telling you again, you are going to memorize each and every ingredient of each and every food item which is being provided to you in the syllabi, in the syllabus, in the book. Fine? And moreover, you are having much of the free time. Talk to your mother. Listen to her. What are the ingredients? अपनी मम्मा से बात करिए, पूछिए उनसे कि मम्मा आज इसमें क्या डाला था, इसमें कौन सी स्पाइसेस डाली थी, सॉल्ट डाली थी, शुगर डाली थी. वो तो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा, राइट? वाटर गया था उस सब्जी में, ऑयल गया था, घी गया था, सब्जी किस चीज की बनी थी, व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. और इसके बाद जब भी खाना खाना है, उस खाने को सबसे पहले अच्छे तरीके से देखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं. एंड आई होप सो आप सब करोगे. ओके, तो आपने एक एक इंग्रेडिएंट चेक करना है कि हाँ जी ये है किसका, किस चीज़ का बना है. ये नहीं पता चलेगा तो मम्मा से पूछिए कि मम्मा इसमें कौन सा मटेरियल गया है. मटेरियल के बारे में मम्मा को बताइए कि उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं. उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. क्या बोलते हैं? Ingredients. Fine. So now the homework for you, I hope so it's all clear to you, but the homework for you is to fill this 5 and 6 point here. Are you able to see here? 5th and 6th point, write any of the food item
which you have eaten today, yesterday, which you are planning to eat, which you are going to tell your mother that this is my favorite food, mama, make it, make it, make it. And now you are going to write it here. The food item you are going to write here and the ingredient which was used, you are going to write on here. I hope so. This is all clear to you. The recapitulation point is also clear to you all. And in next part, we are going to study about the left two topics of this chapter. I hope so. It's all clear to you now. Thank you so much. Thank you.